गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द सनबीम स्कूल सुल्तानपुर। ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्टिंग एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, भारत और वैश्वीकरण के बारे में बात करेंगे। फ्लोस पेरेंटिंग टू द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कॉमोडिटीज, आइडियाज एंड पीपल गो बैक सेवरल सेंचुरीज इन इंडियन हिस्ट्री। बहुत सालों पहले से, जब से ब्रिटिश का राज था हमारे यहाँ, तो ब्रिटिश हमारे यहाँ कैसे आए थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हमारे पर रूल कैसे टाइप में करा। सबसे पहले वो एक कंपनी लेके आए थे, उस कंपनी को यहाँ बसाया, यहाँ बिजनेस करा और धीरे धीरे उसने हम पे रूल करा। तो बहुत पहले से ऐसे हो रहा है, काफी सेंचुरी पहले से, कि जो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो चुका था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटिश रूल में क्या होता था, जो इंडिया की प्राइमरी जो रॉ मटेरियल्स है उनको यहाँ से भेजा जाता था और हम बना बनाया सामान, फिनिश गुड्स यानी जो बना बनाया सामान होते थे वो हम इम्पोर्ट करते थे और अपने यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट कर देते थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया डिसाइडेड टू बी अ सेल्फ सफिशियंट कंट्री रेदर देन बींग अ डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट के बाद क्या गया, इंडिया के लोगों ने डिसाइड किया कि जो हम दूसरों पे डिपेंड हैं, हमें खुद को इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। लाइक जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे मोदी जी जो हमारे पीएम है वो क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है, हमें जो स्वदेशी है उसको अपनाना है। उसी तरह आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने ये डिसाइड करा कि हम डिपेंड बनेंगे और डिपेंड नहीं रहेंगे, इंडिपेंडेंट बनेंगे। एंड इन 1991 इंडिया एम्बार्क ऑन अ प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैज सॉट इंक्रीजली टू रेगुलेट वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और 1991 के बाद इंडिया में काफी इकोनॉमिक प्रोग्राम चलाए गए, इंक्रीज करा गया जो हमारे बिजनेस थे, लोगों को इंक्रीज करा गया कि वो बाहर फॉरेन में इन्वेस्ट करें, जाके ट्रेड करें, व्यापार करें, बिजनेस करें और कहीं ना कहीं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे स्ट्रांग बनाए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक रेसिस्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जिस तरह ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं हमने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक, कल्चर और पॉलिटिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रीड करे थे, तो इसी रीजन से ग्लोबलाइजेशन का रेसिस्टेंस विरोध होने लगा। ग्लोबलाइजेशन हैज इन्वाइटेड स्ट्रांग क्रिटिसिज्म ऑल ओवर द ग्लोब फॉर सम ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर फेस ऑफ ग्लोब। हर जगह फुल ग्लोब में कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन था, वैश्वीकरण था, उसका काफी मात्रा में विरोध होने लगा। एंड कैपिटलिज्म दैट मेक्स द रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर। क्या था, ग्लोबलाइजेशन के कारण जो रिच थे वो कंटिन्यू रिच हो जा रहे थे और जो पुअर थे वो पुअर हो जा रहे थे, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उन्हीं को मिल रहा था जिनके पास पैसा था, वही और ज्यादा अपना प्रॉफिट कमा सकते थे फॉरन में ट्रेड करके या फिर फॉरन में अपना रुपीज लगा के। लेकिन कहीं ना कहीं जो निचला तबका था, जो पुअर थे, वो अभी भी और दबे कुचले जा रहे थे, क्योंकि जब अदर कंट्रीज हमारे यहाँ आती तो कहीं ना कहीं हमारे जो लोग थे, इंडिया के जो लोग थे, उनकी क्या कर ले रही थी, उनकी भी जॉब्स को, इंडिया नहीं अदर कंट्रीज में भी जो उनकी जॉब्स को भी हथियार ले रही थी, या कह उनकी जॉब्स भी जा रही थी, उनकी जो जॉब सिक्योरिटी थी खत्म हो रही थी। कल्चरली दे वरीड दैट ट्रेडिशनल कल्चर विल बी हार्म एंड पीपल विल लॉस देयर एज ओल्ड वैल्यूज एंड बेस। ग्लोबलाइजेशन के कारण, वैश्वीकरण के कारण दुनिया के कुछ जो क्रिटिज्म थे उनका, लोगों का मानना था कि हम अदर जो पावरफुल कंट्रीज हैं लाइक यूएस जैसी हेजमनी जो थी, वो कहीं ना कहीं हम उसके कल्चर को अपना रहे हैं और अपनी जो वैल्यूज हैं उनको खोते जा रहे हैं। लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में जीन्स का कल्चर इम्पैक्ट में दिया था, जीन्स का एग्जाम्पल दिया था, हम लोग जीन्स या फिर ओल्ड जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस को छोड़कर हम वेस्टर्न ड्रेसेस की और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनकी वैल्यूज को ज्यादा मान रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जो अपनी ओल्ड एज वैल्यूज हैं उनको भूलते जा रहे हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हैव हेयर दैट एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क अलाइंग विद दोज हु फील लाइक दैम इन अदर कंट्रीज। अब जो ग्लोबलाइजेशन के जो विरोध था, इसके
अगेंस्ट में काफी मूवमेंट चली और अधिक अलग अलग अदर कंट्रीज के लोग इसके खिलाफ एक साथ मिलने लगे। द वर्ल्ड स्पेशल फोरम WSF वर्ल्ड सोशल फोरम इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज एक्टिविस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट लेबर यूथ एंड वुमेन अपोज टू न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। 2001 में जो वर्ल्ड सोशल फोरम था 2001 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी एंड 2004 में मुंबई में इसकी फोर्थ मीटिंग हेल्ड हुई थी एंड 2007 में 9 मीटिंग केनिया में। वर्ल्ड सोशल फोरम है क्या? वर्ल्ड सोशल फोरम ये एक ऐसी फोरम थी जो ये ग्लोबलाइजेशन था इसके अगेंस्ट में लोगों की आवाज उठाई थी। ग्लोबल प्लेटफॉर्म ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन राइट्स वालों ने एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट ने और जो यूथ से वुमन अपोस्ट वुमेन्स के जो ग्रुप्स थे उन्होंने मिलकर न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ अगेंस्ट में वॉइस उठाने का एक प्लेटफॉर्म था। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस इंडिया एंड असिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।